नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अगर आप भी नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहते हो तो ये चार बातें नोट कर लेना आप। क्या आपके अंदर ये चार बातें हैं तो आप बिजनेस करने के लिए कदम उठाना, वरना आप बिजनेस करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। सबसे नंबर वन, मन की स्थिति। आपके मन की स्थिति क्या कहती है? अभी आप वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, नो टेंशन, आराम से घर पे मस्ती से सोते रहते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत दिन भर की किचकिच रहती है ऑफिस में, लेकिन शाम को दिन में आके तो शांति मिलती है आपको। लेकिन बिजनेस में क्या होगा? आपके 24 घंटे आपका दिमाग चलेगा, 24 घंटे आपको हेडेक रहेगी, कभी आशा कभी निराशा, कभी सुख कभी दुख आपको बिजनेस में आएंगे, कभी असफलता मिलेगी। क्या आप वो सहन कर पाओगे? क्या आपकी वो मन की स्थिति आपको कंट्रोल कर पाएगी? सबसे पहले अपने मन को मजबूत करिए कि क्या मैं जिस फील्ड में जा रहा हूं उस मानसिक रूप से मजबूत हूं या नहीं हूं, तभी आप उस फील्ड में जाए, वरना आप डेली की जो जॉब कर रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है। जब आप देखेंगे, जब बिजनेस में आपको असफलता मिलेगी तो आपको अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना होगा। अगर आप थोड़ी सी असफलता से घबरा जाओगे तो फिर आप कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने मन को धैर्य रखना होगा और एक आशा की किरण के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आप बिजनेस सफल हो पाओगे। सेकंड, जुनून। बिजनेस जो इंसान करता है, अपने आप के अंदर जुनून होना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते आपको बिजनेस का जुनून होना चाहिए। और जुनून कैसा होना चाहिए पता है आपको? आपने फिल्मों में देखा होगा, प्रेमी कैसे अपने प्रेमिका के पीछे पागल होता है, दिन भर यानी 24 घंटे पागल रहता है, बस उसके दिमाग एक ही दिन रहता है, घूमता फिरता है, मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाए, मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाए। ऐसा ही जो जुनून आपके दिमाग में भी होना चाहिए, 24 घंटे मुझे बिजनेस में सफलता मिल जाए, मुझे बिजनेस में सफलता मिल जाए, मैं उस टॉप पे पहुंचू और मैं वो करके दिखाऊं, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप बिजनेस में सफल हो पाओगे। अदरवाइज आपको जॉब करना बेटर है आपके लिए, अदरवाइज इस फील्ड में मत। जुनून ऐसा होना चाहिए कि जब कहते हैं ना, जब गर्लफ्रेंड कहती है कि फोन मेरे पास नहीं रहता है दिन भर, आप मेरे को रात को 4 बजे सुबह 4 बजे मिस कॉल करना, तब मैं फोन करूं। और दैट्स वाई बॉयफ्रेंड क्या करता है, 3:30 बजे उसकी नींद खुल जाती है और फिक्स एग्जैक्ट 4 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कॉल करता है। दैट्स होता है पैशन, दैट्स होता है जुनून। वो जुनून आपको रखना होगा, तभी आप बिजनेस में सफलता पा पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर ऐसा जुनून आपके अंदर नहीं है बिजनेस के प्रति, तो आप कभी बिजनेस में मत उतरना, आप बस जॉब करते रहना। थर्ड, घर की स्थिति। आपके घर की स्थिति थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आपकी पत्नी कुछ जॉब करती रहनी चाहिए, क्योंकि घर में एक जने की तो पैसिव इनकम घर में आनी चाहिए। बच्चों की स्कूल की फीस, आपके घर की EMI कैसे भरोगे आप? कुछ एक कंटिन्यू इनकम आपके घर पे आनी चाहिए, आपकी पत्नी की वो बिजनेस, आपकी पत्नी जॉब करती रहनी चाहिए, तभी आप फ्री माइंड रहकर बिजनेस से उतर पाओगे। अगर मान लो 4 या 5 महीने आपको बिजनेस का फायदा नहीं हुआ तो भी आपका घर की स्थिति चलती रहेगी। अगर आपके घर की स्थिति स्ट्रांग नहीं है तो आप घर को संभालोगे या बिजनेस को संभालोगे? इसीलिए अपने घर की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। फोर्थ, रिस्क। रिस्क उतनी ही ले जितनी आपका घर और आप सहन कर पाए। आपको लगता है कि मेरे पास 1-2 लाख रुपए हैं और वो 2 लाख अगर बिजनेस पर डूब भी गए तो मेरे घर की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही 2 लाख आप लगाएं, यूं नहीं कि आप 2 लाख सहन करने की कैपेसिटी और आप 4 लाख लगा रहे हो तो आप, जब आपको बिजनेस में नुकसान हो जाएगा ना, तब आपकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो सकते हो, क्योंकि बिजनेस
सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है। इसलिए कैलकुलेटिव रिस्क लें, जितनी आप सहन करें उतनी ही रिस्क लें। आपके एवरेज से ज्यादा रिस्क कभी न लें। तो ये चार बातें आज मैंने आपको बताई। अगर ये चार बातें अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर है और मैं कर सकता हूं, तो आप बेशक बिजनेस कर सकते हो और बिजनेस में सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।